सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले इस बेकार, आप देख सकते कबाड़ा चीज़ है ये। और फ्रेंड्स, इसकी मदद से हम लोग बनाने वाले काफ़ी कमाल की कार। तो फ्रेंड्स, वो कार जो है हम लोग हाथ से चलाने वाले हैं और काफ़ी मज़ेदार है। फ्रेंड्स, आप ये मत सोचिए कि हाथ से चलाने में बकवास होगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मज़ेदार है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, एक ऐसा ले लेना है। आप देख सकते हैं क्या है फ्रेंड्स, मुझे भी नहीं पता है क्या है, खाली एक कार्डबोर्ड है ये और रोल कर रखा है कुछ इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप पे ऐसा ना हो तो आप कहीं से जुगाड़ कर लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा ये ले लेना है कार्डबोर्ड, और हमें चाहिए कुछ इस तरीके के पेपर, कलरफुल पेपर आप देख सकते हैं। और इसको कलरफुल पेपर को हमें कुछ इस तरीके से इसके ऊपर, पहले इसके ऊपर चिपका लेना है। तो फटाफट से हम लोग इसको नाप ओप के काट लेते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं पेपर का जो पीसीज है, मैंने इसे काट लिया है और आप देख सकते हैं ये थोड़ा कुछ इस तरीके से कट गया है। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम लोग इसे चिपका देंगे। तो चलिए हम लोग इसे चिपका लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से इसके ऊपर चिपकाना है। तो फटाफट से मैं चिपका लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आप यहाँ फाइनली देख सकते हैं कि मैंने इस तरफ भी कार्डबोर्ड चिपका दिया और इस तरफ भी चिपका दिया, और जो इसके अंदर बीच में था आप भी देख सकते हैं कि मैं येलो कलर का उसमें कार्डबोर्ड चिपका दिया है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसमें एक बीच में एकदम सेंटर में छेद करना है दोनों तरफ। तो फटाफट से हम छेद कर लेते हैं। तो छेद करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ इस कैंची का, और इस कैंची की मदद से मैं इसमें छेद करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इससे भी इतना छोटा छेद कर दिया मैंने, और इसी तरफ इस तरफ भी ऐसा ही छेद करना है हमें एक। तो फटाफट से मैं इधर भी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा छेद हो गया है। तो इसको हम साइड में देते हैं फिलहाल। और हमें क्या करना है, हमें लेना है एक लकड़ी कुछ इस तरीके की, आप देख सकते हैं लंबी सी मेरे पास लकड़ी है ये, और इसे तोड़ देना है पहले हमें, इसमें ऐसे नाप के इसे तोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये बाहर आ चुका है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे नाप के यहाँ से तोड़ देना है। तो मैं इसे पहले तोड़ लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे तोड़ लिया है। इसी तरीके से हमें दो तीन पीस तोड़ लेना है। तो मैं इसके तीन पीस कर लेता हूँ तोड़ के। मैंने यहाँ पे तीन पीसेस तोड़ लिए हैं इसके। तो हमें इन पीसेस को क्या करना है, इन पीसेस को हमें कुछ इस तरीके से चिपकाना है। पहले इसको हमें इसके अंदर डाल देना है कुछ इस तरीके से, और इसे बाहर निकाल देना है यहाँ से इस तरीके से। और ये दोनों पीसेस हैं, इन दोनों पीसेस को हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे यहाँ पे चिपकाना है। तो फटाफट से मैं चिपका लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे फेविक्विक से और टेप की मदद से कुछ इस तरीके की चिपका दिया है। तो हमें क्या करना है, अब इसे ले लेना और इसके अंदर इसको डाल देना है फटाफट से। तो मैं डाल देता हूँ आराम से इसके अंदर, क्योंकि फट जाएगा ये। तो इजीली आराम से ये बाहर आ गया आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके से ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो इसे भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो फ्रेंड्स, हमें इसकी जो है एक डंडी बनानी है पीछे से। पहले हम लोग एक ऐसी लकड़ी लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और पीछे से एक डंडी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए उसे बना लेते हैं फटाफट से। तो आप देख सकते हैं मैंने डंडी तोड़ दी एक छोटी सी, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से ऐसे करके इसके ऊपर इसे भी चिपका देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो लकड़ी है इसमें चिपकाने से पहले हमें क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, इसे इस लकड़ी को हमें एक पाइप लेना है हमें जो पीछे रहेगा उसके, और हमें यहाँ पे छेद करके इस लकड़ी को पहले इसमें फिक्स करना है। तो फटाफट से हम लोग पहले ये काम कर लेते हैं, फिर हम लोग इस लकड़ी को उसमें ज्वाइंट करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसमें छेद कर दिया है, और इस लकड़ी को अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये टाइट रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी टाइट है एकदम, जैसे मैं चाहता था वैसे ही हो गया ये। तो चलिए इसे हम लोग फेविकोल से चिपका लेते हैं, मतलब फेविक्विक से, और फिर हम लोग उसे फिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं अब ये चिपक चुका है, और इसको हम लोग इसके अंदर अब फिक्स कर लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। ये दोनों लकड़ी है इसको इसके ऊपर हमें ऐसे चिपकाना है। तो फटाफट से हम लोग इसे भी काम कर लेते हैं, फिर हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फाइनली हमारा बनके तैयार हो गया है कार। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, खाली इसको इस तरीके से ऐसे रखना है और पीछे से ऐसे पाइप को ढकेलना है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त ये चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए काफ़ी मज़ेदार है, और आप भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बना के ऐसे बच्चों को दे सकते हैं खेलने के लिए उनको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स, आपको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ, मैं टेस्ट तो कराना भूल ही गया और मैं जा रहा था। तो चलिए टेस्ट करा देता हूँ आपको। Hold me close till I get out.